हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ECO01 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बना के डाल दिया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस ब्रीफली इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि पूछ रहा है कि ये जो इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है, खुद ही पता चल रहा है। देखते हैं, अलग अलग रिस्क के लिए आप लोग पहले से इंश्योरेंस लेके रखते हो, तो अगर वो रिस्क मतलब वो प्रॉब्लम होता है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका वो रिस्क में काम आ जाता है आपका। तो वही हो गया इंश्योरेंस लेना, है ना, जैसे लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, तो वही है। आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है इंश्योरेबल रिस्क। तो इंश्योरेबल रिस्क आर दोज that insurance company are willing to cover because they are relatively predictable, measurable and not catastrophic in nature। यानी कि देखिए, insurable risk जो होता है ना, ये insurance company आपका cover करके देती है, क्योंकि ऐसे ये जो होते हैं risk, ये पहले से predictable होते हैं, जैसे कि पहले से पता होता है, उसको आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, इसलिए वो risk आप insurance उसका करवा सकते हो। जैसे कि होता है ना LIC वाला, यानी कि डेथ के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो देखिए, डेथ जो है वो सच्चाई है, ठीक है, वो तो होना ही है, तो उसके लिए आप लोग इंश्योरेंस करवाते हो। तो इसलिए इंश्योरेबल रिस्क होता है, ये कंपनी आपको देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज, है ना, प्रॉपर्टी डैमेज का भी एक इंश्योरेबल रिस्क है। यानी कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कवरेज फॉर रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट और डैमेज टू योर होम, है ना। जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज के लिए होता है ना, कि घर के लिए आप लोग एक इंश्योरेंस करवा लेते हो, कि मान लीजिए घर में कभी आग लग जाएगा या कुछ चोरी हो जाता है, या फिर शॉप में भी देखते हो ना, शॉप का भी इंश्योरेंस होता है, अगर चोरी हो जाएगा उसका सामान तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको जितना चोरी हुआ उसका अमाउंट देगी। तो ये सब एक इंश्योरेबल रिस्क है, है ना, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। फॉर इंस्टेंस, इफ़ योर हाउस इज डैमेज बाय अ फायर, योर इंश्योरेंस विल बी कवर द रिपेयर कॉस्ट, है ना। मान लीजिए आपका घर का एक ये है और वो आप इंश्योरेंस लिए हो और वो फायर, उसमें आग लग गया है, तो उसका जो भी रिपेयर कराने का कॉस्ट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी डैमेज। इसी तरह से एक और है, हेल्थ केयर कॉस्ट, पता ही आप लोग को, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, है ना। हेल्थ केयर आप तो सुने ही होंगे, एड वैड भी हमेशा ये देते रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, वो आपका अगर आप कभी बीमार होते हो या आपको कोई बीमारी हो जाता है तो वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा देता है, आप हॉस्पिटल में रहते हो तो हॉस्पिटल का बिल देता है, और साथ में दवाई का भी बिल हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें ही आ जाता है, है ना। तो ये हो गया हेल्थ केयर कॉस्ट। इफ़ यू बिकम इल एंड रिक्वायर मेडिकल केयर, योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प पे फॉर योर ट्रीटमेंट, वही है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो हेल्थ जो पॉलिसी है आपका, इंश्योरेंस है, वो आपकी मदद करेगा आपको सही होने में और आपका सारा बिल को पे करने में। इसी तरह से ऑटो एक्सीडेंट, यानी कि ये है, ऑटो इंश्योरेंस कवर रिस्क रिलेटेड टू एक्सीडेंट एंड डैमेज टू योर व्हीकल। यानी कि ऑटो एक्सीडेंट, यानी कि देखते हैं ना, कार वार का भी इंश्योरेंस होता है, उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी कार आपका डैमेज हो जाता है, कहीं ठुक जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कार का कॉस्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी देती है, है ना। तो यही हो गया ऑटो एक्सीडेंट। इफ़ यू हैव अ कार एक्सीडेंट, योर इंश्योरेंस विल असिस्ट इन रिपेयरिंग योर कार एंड कवरिंग लाइबिलिटी कॉस्ट इफ़ यू आर अ फॉल्ट, है ना। तो ये हो गया ऑटो एक्सीडेंट, कार वार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी देता है। इसी तरह से आप देख लेते हैं हम लोग नॉन इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि जो जिसका इंश्योरेंस नहीं होता वैसा रिस्क। तो ये होता है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर दोज दैट इंश्योरेंस कंपनी टिपिकली वॉन्ट कवर बिकॉज दे आर अनप्रिडिक्टेबल, कैटास्ट्रोफिक और फाइनेंशियल रुइनस। यानी कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क जो होते हैं ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका ये नहीं होता, कभी भी हो सकता है और वो किसी को पता नहीं रहता है। अब मान लीजिए जो चीज़ आपको पता ही नहीं है कि वो होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उसका आप इंश्योरेंस कैसे करवाओगे, तो वो हो गया नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रोफिक, यानी कि कोई गैर कानून तरह का जो होता है,
उसकी वजह से आप थोड़ी है जिम्मेदार थोड़ी। अब मान लीजिए कि आप कुछ मर्डर कर दिए और आप आके बोल रहे भाई मेरे को बचा लो, तो वैसे चीज़ों के लिए इंश्योरेंस नहीं होता है ना। तो मान लीजिए आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको मदद मिल सकता है, लेकिन आप किसी का एक्सीडेंट कर दोगे फिर बोलोगे भाई मेरे को पुलिस से बचा लो, तो ये नहीं ना होगा। तो वही हो गया नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो इसका एग्जाम्पल देखिए अब, तो पहला है न्यूक्लियर वॉर। तो ये क्या होता है, द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज़ कंसिडर्ड नॉन इंश्योरेबल ड्यू टू इट्स कैटास्ट्रोफोबिक एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर। यानी कि न्यूक्लियर वॉर जो होता है, फाइट हो जाता है, लड़ाई हो जाता है शहर के बीच में, दो झुंड के बीच में, तो वो सब एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है ना, और वो एक तरह से गलत भी है, तो इसलिए उसका कोई आपको इंश्योरेंस नहीं होता है ना। तो ये हो गया, इट कुड लीड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल लॉसेस बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू कवर। यानी कि मान लीजिए दो देश के बीच में फाइट हो गया है, और तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा है ना। तो अब तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो आप जाके बोलोगे कि भाई कंपनी मेरे को पैसे दो, ये मेरा 500 करोड़ का ये नुकसान हो गया है। तो वो न्यूक्लियर वॉर वो जो होता है वो कंपनी नहीं कर सकता, वो इसका इंश्योरेंस नहीं होता है कुछ, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है इनलीगल एक्टिविटीज़। ऑब्वियस सी बात है, इनलीगल एक्टिविटी के लिए आपको थोड़ी कोई इंश्योरेंस बना के देगा। तो वही है, इफ़ यू इंगेज इन इनलीगल एक्टिविटी एंड सफ़र लॉसेज एज अ रिज़ल्ट, ठीक है, मान लीजिए आप कोई इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें आपको कुछ लॉस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस वॉन्ट कवर दिस लॉसेस, है ना। इंश्योरेंस कंपनी ये सब थोड़ी देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल एक्ट एंड इनकर लीगल फाइंस और पेनल्टीज, इंश्योरेंस वॉन्ट पे फॉर दोस कॉस्ट, है ना। मान लीजिए कि आप कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो और उसकी वजह से आप पे लीगल चार्ज लग गया है, आपको पैसे देने हैं पेनल्टी के रूप में, तो वो आपको फाइनेंशियल कंपनी नहीं देती है, है ना। तो ये हो गया। इसी तरह से एक और है मार्केट स्पेकुलेशन, है ना। तो ये क्या होता है, रिस्क एसोसिएटेड विथ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज आर जनरली नॉन इंश्योरेबल। यानी कि जो मार्केट जो चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देता है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट कर दिया पैसे, और अब अभी मार्केट पूरा डाउन हो गया, तो आपका पैसा पूरा चला गया, तो ये जो नुकसान हुआ ये आपको इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी देगी, ये तो अनप्रिडिक्टेबल था ना, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो यही हो गया, मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी बोल सकते हो आप। ये देखिए, दीज रिस्क इन्वॉल्व अनप्रिडिक्टेबल मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड आर कंसिडर पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। ये सब तो आपका पर्सनल होता है कि आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने अप के लिए किया और वो डाउन चला गया, तो ये तो आपका डिसीजन था ना, और ये इसकी वजह से आपको जो लॉस हुआ है ये आपको कोई कंपनी नहीं देने वाली है, ठीक है। तो इन सबको कहते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, और इंश्योरेबल का भी मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, होप कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए ECO01 का December 2022 का, तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, मैंने पहले यहीं पे क्लियर कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।